ओम शांति। बाबा ने राज्य दिलाया था, रावण ने छीन लिया। हार कैसे हुई है, फिर जीतना कैसे है, यह भी बुद्धि में है ना। बहुत बच्चे यह भी भूल जाते हैं, माया नाक से पकड़ लेती है, सेकंड में जीवन मुक्ति पाते हैं, फिर झट जीवन बंद भी हो जाते हैं, देरी नहीं करते। तो बाप कहते, बच्चे खबरदार रहो, तुम रूप बसंत बन सदा मुख से रतन ही निकालो, किचड़ा सुनना भी नहीं चाहिए। कहीं सुन लेते हैं ना, फिर कहते दीदी को नहीं बताना, वहां नहीं बताना, इधर नहीं बताना। अगर आप एक सेकंड के लिए उनको बोलो, देखो आप जो ये बुराई कर रहे हो ना, मैं तो बताऊंगी, वो सामने वाला डर जाएगा। एक तो वो आपसे डरेगा, एक बड़ों से भी डरेगा, क्योंकि वो बड़े थे, बड़े से भी डरेगा। आपने सुनना ही नहीं है कि ये तो ना किसी की बुराई नहीं सुनता है, तो वो ये बात भी सबको बताएगा कि ये नहीं सुनता बुराई। तो आप देखो कितने प्रचलित हो जाओगे, फेमस हो जाओगे सब में। पर ये फेमस होना ना किसी को चाहिए नहीं, आज भगवान के रजिस्टर में किसी को आगे नंबर लिखवाना ही नहीं है शायद, इसीलिए बुराई सुन लेते हैं। फिर कहते हमारे दिल में ना बड़ा प्यार है। ये कैसा प्यार है तुम्हारा कि तुम्हारे घर की कोई बुराई करे और तुम बैठ के कर। वाह क्या प्यार है। अगर आप बाबा के घर की बुराई सुन लेते हैं, यज्ञ की बुराई सुन लेते हैं, माना बाबा की बुराई सुन लेते, बनाया तो बाबा का यज्ञ है ना, यज्ञ तो बाबा का है। तो हर एक ब्राह्मण आत्मा अगर आज से ये बंद कर दे, कोई करेगा ही नहीं किसी के साथ। तो जिस घड़ी आपने ये ठान लिया कि मुझे ना तो बुराई करनी है ना तो सुननी है, मेहनत बड़ी लगेगी, क्योंकि आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो बुराई करें। लेकिन अब आपने क्या करना है, आपने अपोज करना है। तो थोड़े समय के बाद, एक महीना भी नहीं लगेगा, सबको पता पड़ जाएगा कि ये बुराई ना तो करता है, ना ये करती, ना ये सुनती। तब आपका नाम ऑटोमेटिकली आगे आ जाएगा कि इसके साथ कोई बुराई नहीं कर सकता। कहीं सुन लेते हैं ना, आपके साथ भी बैठे बैठे को, अरे ये तो ऐसा है, ये वैसा है, वैसा है, एक दूसरे के सुन लेते हैं ना, और बड़ों को नहीं बताते तो उनको भी पता, जी हमारे जैसे ही है, ये नहीं आगे जाने वाला, ये हमारी तरह का प्रजा वाला है। तो उनके साथ आपका गठजोड़ बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि आपका प्रजा प्रजा का संबंध अच्छा होगा ना, राजा के साथ थोड़ा हो जाएगा प्रजा का संबंध। तो सबको पता पड़ जाता है कौन सी कैटेगरी की आत्मा है ये। उनको लगता है हम समा रहे हैं, समा नहीं रहे हैं, खुद तो बर्बाद हुए तो वे भी बर्बाद कर रहे हैं। तो कभी भी किचड़ा सुनना ही नहीं चाहिए। जो सुनते हैं अंदर रखते हैं, एक दिन किचड़ा बैक मारेगा, क्योंकि उसमें गैस तो भरेगी भरेगी, और जब गैस भरेगी तो आप कहाँ टिक पाओगे भगवान की याद में। तो किचड़ा सुनना भी नहीं चाहिए, समझो हमारा ये दुश्मन है। ओके ओम शांति।